जाफर उस्मान शेख द अखबार न्यूज से आज हम बात करेंगे कि बढ़ते कोरोना के ऊपर। पिछले साल हमने कोरोना झेला था, लेकिन इस बार भी कोरोना की मार बढ़ते जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कोरोना की जो संख्या बढ़ते जा रही है, जैसे कि 8 तारीख को 1008 हो गया, पिछले 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कंटिन्यू 1000 के ऊपर, 1038, 1007 और कल 1008 की ये संख्या बढ़ते जा रही है, जो पेशेंट है बढ़ते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में जो पालक मंत्री है असलम शेख साहब मुंबई के, उन्होंने ये कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ने पर जिला अधिकारियों आयोग को मुख्यमंत्री जो है CM साहब ने ये ऑर्डर दे दिया है कि आप अपनी तरीके से आप लॉकडाउन लगा सकते हो, जिस तरह से आपको नाइट कर्फ्यू लगाना है, जो चाहे मन मर्जी आप लगा सकते हो। ये सिलसिला बढ़ रहा है, इस वजह से पहले से ही औरंगाबाद के अंदर 11 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है औरंगाबाद के अंदर। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, हमने पिछली बार भी देखा है कि ज़रूरत की चीज़ें ही चालू रहेगी, लेकिन बाकी चीज़ें बंद रहेगी, जैसे कि ऑफिसेस वगैरह सारी बंद रहेगी। और पुणे के अंदर भी, पुणे चिंचवड़ के अंदर भी ये लॉकडाउन लग चुका है, और वो भी मंडे से। अजीत पवार जो है डिप्टी अपने मुख्यमंत्री डिप्टी CM जो है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये भी पुणे के अंदर भी लॉकडाउन लगने वाला है, तो और सैटरडे संडे तो ये कंपलसरी बंद रहेगा औरंगाबाद और पुणे के अंदर भी। जैसे कि आप देखते हो कि 3 मार्च को मुंबई के अंदर 1121 पेशेंट थे, रुग्ण थे, उसके बाद 4 मार्च को 1103 थे, 5 मार्च को 1173 और 6 मार्च को 1188 और 7 मार्च को 1360 और साथ ही साथ 8 मार्च को 1008 पेशेंट रह चुके थे। उसी तरह आज भी पेशेंट बढ़ गए हैं। तो जैसे कि देख रहे हो कि नासिक के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो चुका है, वहाँ पे कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर से फिर से रिवाइज हो रहा है। तो इसी सिलसिले में CM ने ये खुले तौर पे ये ऑर्डर दिए हैं। हो सकता है कि मुंबई के अंदर भी आने वाले दिनों में ये सिलसिला बढ़ जाए, और इसीलिए मुंबई के अंदर भी कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने पड़े। इसीलिए हमारे दर्शकों और व्यूवर्स को ये कहना है कि हमारे मुंबई वासियों से कि आप घर में रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें। जैसे कि शादियों के जो है भीड़ लगती है, उसको भी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। शादियां बंद हो जाएगी, शादियां नहीं होगी इन दिनों में, क्योंकि शादियों के अंदर काफ़ी लोग आते हैं, गैदरिंग हो रही है, वो बंद कर दिया जाएगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं बंद होगी, सिर्फ इसी वजह से कि कोरोना का जो प्रभाव बढ़ते जा रहा है। तो हम अभी आते हैं बजट सेक्शन पे। महाराष्ट्र का बजट जो है कुछ ग्रामीण लोगों के लिए खुशखबरी लेके आया है। जैसे कि जो शेतकरी बंधु है, शेतकरी जो है हमारे अन्नदाता, उनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने कर कहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी, और उनको बजट के अंदर 3 लाख रुपए का जो बजट है कृषि खेती के लिए, वो बिना इंटरेस्ट की यानी 0% में मिलेगा। और साथ ही साथ ये बताया गया कि उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, परभनी, अमरावती के अंदर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और नागपुर मुंबई शिरडी एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, 500 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हाईवे बनेगा, यानी ये प्रोजेक्ट 1 मई से चालू होगा। साथ ही साथ बताया गया कि बर्ड फ्लू के लिए अच्छी तरह से जो चाशनी होती है, जो लैब खुलेगा, जो बर्ड फ्लू जो कई पिछले कई दिनों में जो बर्ड फ्लू की संख्या बढ़ रही थी, उस वजह से कहा गया कि बर्ड फ्लू के लिए भी एक अलग से लैब बनेगा, स्पेशल लैब बनेगा, ताकि उसकी जानकारी लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। आखिरी में एक न्यूज़ दे दे हमारे दर्शकों को, जो जानने वाले देखने वाले, कि महाराष्ट्र के अंदर बजट सत्र के अंदर जो 10 दिन का बजट सत्र था, 1 से लेके वो ख़त्म हो जाया, उसके अंदर ज़्यादातर बहस इस बात की हुई है कि विपक्ष और पक्ष के अंदर काम बहुत कम हो गया, बजट सत्र हो चुका है लेकिन पुरानी बातों को लेकर भी सिलसिला जारी रहा। और आज जैसे कि बताया गया कि सचिन वाजे जो है, भी आप जानते होंगे ख्वाजा यूनुस सिलसिले के अंदर घाटकोपर बम ब्लास्ट के अंदर जो सचिन वाजे थे, वो उनको सस्पेंड किया गया था, जिन्हें 16-17 जो ऑफिसर थे उनको सस्पेंड, 2007 में उनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है, शिवसेना और राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद सचिन वाजे को फिर से बहाल किया गया, उनको फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया। जून के महीने में जब 2020 में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के देखा गया कि ऑफिसर की कमी थी, उनको वापस से ला लिया गया है। नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस, माजी CM भी रह चुके हैं,
उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये मांग रखी है कि सचिन वासे को जो है उस पर कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया, कि ये मनसुख हैरत का मामला है। पिछले 4 महीने पहले जो है सचिन वासे वो कार यूज़ कर रहे थे, वही कार जो है स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के सामने थी, जिसमें कुछ स्फोटक पदार्थ थे, उस वजह से ये सिलसिला चल रहा है बजट सत्र के अंदर। साथ ही साथ इस बात की बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है। अब देखते हैं कि कितनी मांग मानी जाएगी इनकी, और ये शुरुआत हो चुकी है इस सिलसिले की भी, क्योंकि आखिरी दिन है, मसले पैदा हो चुके हैं। हमारा जो चैनल है सच दिखाना, हमारा काम है हम लोगों तक फ्री न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, तो इस सिलसिले में आप हमारे चैनल को बढ़ावा दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मैं हूं जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़।